जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गई हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है, आज हम जानेंगे कि हमारा मंत्र जो है क्या हमें साइड इफेक्ट भी देता है, क्या मंत्र जो है हमारे दुष्परिणाम भी हमारे जीवन में ला सकते हैं। जिन मंत्रों का आप कंटिन्यू जाप कर रहे हैं, जिन मंत्रों का आप डेली जो है उच्चारण कर रहे हैं, क्या वो मंत्र आपको कहीं गलत प्रभाव तो नहीं दे रहे हैं, इस बारे में पूरी वीडियो रहेगी। अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। मंत्र का जाप करते हैं और सभी लोग करते हैं और मंत्रों की माला फेरते हैं। मंत्रों में एक ऐसी शक्ति का वास होता है जो हमें दिखाई नहीं देती है और हमारी सोच से भी अकल्पनिक होती है। हमें पता भी नहीं होता कि एक मंत्र में कितनी शक्ति और कितनी पावर होती है। जब हम उस मंत्र का जाप प्रारंभ करते हैं, शुरुआती समय के अंदर हमें उस मंत्र की ताकत का कोई आभास नहीं होता है, ना ही हमें ये पता लगता है कि इस मंत्र के अंदर कितनी ऊर्जा समाई है और कितनी ताकत इस मंत्र की है। इस दिव्य मंत्र से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं और कैसे कैसी शक्तियाँ हमारे शरीर पर आ सकती है, ना ही हमें उसके शुभ और उसके अशुभ परिणामों के बारे में पता होता है। हम जाप करते रहते हैं, जाप करते रहते हैं और बगैर गुरु के भी हम कई बारी मंत्र यूट्यूब से भी ले लेते हैं या कहीं से भी ले लेते हैं या कहीं से उठा लेते हैं। और फिर हम जब उस मंत्र का जाप करते 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 हमें काफ़ी समय हो जाता है, तब हम उसके शुभ और अशुभ परिणाम नहीं देखते, लेकिन ये जरूर देखते हैं क्या मुझे कुछ लाभ हुआ। बेनिफिट हुआ या नहीं, या लाभ हुआ या नहीं। तब इस दौरान हम उस मंत्र का त्याग कर देते हैं। त्याग कर देते हैं तो ऐसे मंत्र को, मान लीजिए आप किसी भी ऐसे मंत्र का जाप जो है काफी लंबे समय से करते जा रहे हो, और ऐसी अवस्था में जब हम कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, तब उस मंत्र का ब्रिज हमारे मूलाधार चक्र में स्थापित हो जाता है। और जब मूलाधार चक्र में वो मंत्र का बीज स्थापित हो जाता है, और जब उससे हमारा ओरा भी कायम हो जाने होता है, क्योंकि हमें इतना अभी पता नहीं होता कि हमारे शरीर का ओरा कितना है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे शरीर की जो ओरे की परतें होती हैं वो 1 से लेकर 18 परतों तक होता है। तो उस दौरान क्या होता है कि उन परतों में कितनी परतें उस मंत्र के ओरे की शक्ति से जागृत हो चुकी हैं, इस बात का हमें ज्ञान नहीं है। हम जाप करते गए अब हमने बीच में छोड़ दिया, अब वो मंत्र का जो जाप है अकुत रूप की माया उसकी आपकी छोड़ दी है, अपने उस मंत्र का जो दुष्परिणाम है आपके शरीर पर छाने लग जाएगा। अब क्यों? क्योंकि आपने मंत्र को अधूरा छोड़ा। मूलाधार चक्र में मंत्र को स्थापित किया, पहले 2 महीने जाप किया, ऐसे नहीं होता है। अगर आप कोई मंत्र का जाप करते हो, तभी बोलते हैं कि पंचाक्षर मंत्र, ये मंत्र कोई साइड इफेक्ट नहीं करते। ओम सीताराम, ये मंत्र कोई साइड इफेक्ट नहीं करते। ओम हम हनुमते नमः, ये मंत्र कोई साइड इफेक्ट नहीं करते। ये पंचाक्षर मंत्र जय श्री राम, जय श्री राधा कृष्णा, समझ गए, ये मंत्र कोई साइड इफेक्ट नहीं करते। ये नाम की भी भक्ति है और कृपा भी है इनसे। लेकिन अगर कोई ऐसा मंत्र हम उठाते हैं या शाबरी विद्या के अनुसार हम मंत्र को उठाते हैं, और फिर उसके बाद जैसा कि पता है कि कलयुग में शाबरी विद्या सब्बा शाबर मंत्र का प्रभाव जो है बहुत ही शक्तिशाली है, और शाबर मंत्र का प्रभाव से अगर हम शाबर मंत्र को उठाते हैं, उसका जाप मंत्र बड़ा जरूर होता है, लेकिन उसका फल अगर शीघ्रता से प्राप्त भी होता है तो उसका साइड इफेक्ट भी शीघ्रता से ही प्रभाव पड़ता है। तो मंत्र की ऊर्जा को ऐसे लेवल से कर चलना चाहिए जिससे हमारी बॉडी का संतुलन कायम रहे। तो कैसे ये संतुलन बनाए? संतुलन के लिए होता है कि कुछ नियम। अगर आप 2 मंत्र का जाप करते हो, 3 मंत्र का जाप करते हो, 5 मंत्र का जाप करते हो, तो उन मालाओं को आप चाहे थोड़ा थोड़ा, जैसे कि हमने अगर हमारी प्लेट में 10 सब्जी है तो हम क्या करेंगे, एक उसी सब्जी से ज्यादा खाएंगे जिससे टेस्ट लग जाता है, बाकी सब्जी को आप लगा कर देखोगे। तो आपने क्या करना है, सभी सब्जियों को समान, अगर 10 की 10 सब्जी फिनिश करनी है तो थोड़ी थोड़ी सभी सब्जी पर लगाकर खाना पड़ेगा, तब जाकर 10 सब्जियां जो है फिनिश होंगी। अगर आप जो 5 मंत्र का जाप कर रहे हो, उसी प्रकार से आप 1 मंत्र की माला, 1, 2 मंत्र की 1, फिर उसके बाद 3रे मंत्र की फिर 1,
ऐसे नियम बनाकर 5 माला डेली कर सकते हो, जिससे आपकी थोड़ा समय जरूर लग जाएगा लेकिन आपकी बॉडी पर बन जाएगा। कोई किसी भी प्रकार का नकारात्मकता का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप किसी मंत्र की ऊर्जा को ना तो ज्यादा तेज जगा रहे। जैसे कि हम कोई दाल पकाते हैं, पहले पुराने समय पर जो हमारे बुजुर्ग थे वो दालों को क्या करते थे, एक हांडी में दाल डूल कर सब कुछ तंदूर में रख देते थे, वो दाल पकती रहती थी, वो दाल एक एक हफ्ता नहीं खराब होती थी। लेकिन आज की जो दाल है वो प्रेशर कुकर से तोड़ी जाती है। इसी प्रकार से अगर इसी से बैलेंस का माध्यम आपको पता लगेगा कि अगर हम मंत्र की 5 माला एक एक कर कर चला रहे हैं, थोड़ा हमें समय लग सकता है लेकिन हम पकेंगे जरूर, हम पकेंगे जरूर और जीतेंगे भी जरूर। अगर हम मंत्र का कोई भी जाप बीच में अधूरा छोड़ देते हैं, मंत्र बीच में गैप कर कर चलते क्या हैं, मंत्र का गलत उच्चारण भी हमें जो है प्रभाव देता है। मंत्र का गलत उच्चारण तो बहुत ज्यादा प्रभाव दे सकता है, बहुत ज्यादा आपका साइड इफेक्ट भी करता है, बॉडी के ऊपर बहुत प्रकार की रिएक्शन भी उत्पन्न होते हैं, बहुत प्रकार के परिवर्तन भी उत्पन्न होते हैं, शरीर के अंदर वजन सा महसूस होने लगता है। कई बार क्या होता है कि मंत्र हमारे मूलाधार चक्र में, अनाज चक्र में हम बीच में छोड़ देते हैं, तो उस दौरान हमारे शरीर में बहुत सारी गड़बड़े होने लगती हैं, हल्का हल्का शरीर के अंदर पेन रहता है, भारीपन रहता है, शरीर के अंदर वजन सा भी महसूस होता है, क्योंकि किसी ऊर्जा को। और ऐसा भी रहता है कि जैसे आपका मूलाधार चक्र, आपका गुदा द्वार के अंदर खुजली या कोई खिंचाव आपको महसूस होगा, नीचे की तरफ आपको खिंचाव होगा, पेशाब वाली जगह भी आपको खिंचाव सा महसूस रहेगा। तो ये कोई मंत्र का जाप आप करते रहे हो, उसको आपने बीच में अधूरा छोड़ दिया। ऐसा एक केस मेरे पास आया था, जो काफी लंबे समय से अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जागृत करने के दौरान उनकी कुंडली बीच में फंस गई और फंसने के दौरान उनके शरीर के अंदर बहुत सारी पीड़ाएं उत्पन्न हो गई। शरीर का बीपी बढ़ जाता था 1 सेकंड के अंदर और 2 सेकंड में आपके बीपी भी शांत हो जाता था। शरीर में क्रोध की मात्रा जो थी उग्रता रूप में बढ़ी रहती थी और 24 घंटे बाद बात पर उग्रता रहती थी, बाद बात पर तनाव रहता था, मिनट मिनट में स्ट्रेस होने लगता था। तो ऐसा क्यों होता है, जब हम किसी भी चीज को समझे बगैर करते हैं तब उनके दुष्परिणाम भी उत्पन्न होते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि बजरंग बाण का दुष्परिणाम, कई लोगों ने कमेंट भी करे थे नहीं बजरंग बाण, बात ये नहीं होती, उद्देश्य के लिए तीर को उठाया जाता है, ब्रह्मास्त्र को बार बार नहीं चलाया जाता, ब्रह्मास्त्र को चलाने से विषव का नुकसान ही होता है। ये बात वासुदेव जानते थे और ये बात अर्जुन को भी कहा था, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को चला दिया था तो अर्जुन ने कहा क्या तू ब्रह्मास्त्र चला सकता है तो मैं भी चला सकता हूं, लेकिन वासुदेव ने हाथ पकड़कर तुरंत कहा नहीं पार्थ, ऐसा करना उचित नहीं है, ये तो अज्ञानी है, इसको ज्ञान का नहीं पता है कि जब शक्ति से शक्ति का टकराव होगा तो संसार का विध्वंस होगा। तो इसी प्रकार से जब आप किसी शक्ति को जागृत करते हो और फिर बीच में अधूरा छोड़ देते हो तो उसका नुकसान ही होता है। इसी प्रकार अब जैसे अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र छोड़ना जरूर आता था लेकिन तर्कश में वापस नहीं लेना आता था, तो अधूरा ज्ञान किसी भी क्षेत्र का हो, कैसा भी हो, हमें तंग ही करता है। इसलिए गुरु को परामर्थ रूप में बताया गया है, इसलिए गुरु को आपका बताया कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जो है हमारे प्रथम है, क्यों, क्योंकि उन्हें वो हमें शिक्षा देते हैं। गुरु का सानिध्य तो आपको शुरुआती जन्म से ही प्राप्त हो जाता है, जब आप अपनी माँ की कोख से जन्म लेते हो तब पहली गुरु आपकी माता होती है, जो आपको अच्छा बुरा चलना सिखाती है, फिर आपके पिता होते हैं जो संसारिक चीज़ों के बारे में आपको समझाते हैं, फिर आपके स्कूल में होते हैं, तो गुरु का सानिध्य से ही जीवन चलता है। इसीलिए कोई भी मंत्र का जाप जो अगर आप करते हो तो उसके प्रभाव और नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों ही देख कर आपको करना चाहिए, बैलेंस बनाकर कार्य करना चाहिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।